आज की स्टोरी से हम समझेंगे कि कैसे स्मार्ट वॉच के मदद से एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन लाया जा रहा है। दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम उन कर्मचारियों से जूझ रहा है जो उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने स्मार्ट वॉच का सहारा लिया है। इसके कर्मचारियों, विशेषकर फील्ड में काम करने वालों को अब जीपीएस से सुसज्जित स्मार्ट वॉच पहननी होगी, जो न केवल काम पर स्टाफ सदस्य का स्थान साझा करेगी बल्कि काम पर बिताए गए समय की मात्रा भी साझा करेगी। यह दिन में दो बार कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थान से उनकी तस्वीर भी नियंत्रण कक्ष को भेजेगा। यदि कर्मचारी दिन में किसी भी समय घड़ी हटाता है तो नियंत्रण कक्ष को भी सूचित किया जाएगा। कई शिकायतों के बाद नागरिक निकाय से अपने कर्मचारियों को अनुशासित करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया, जो अक्सर अपने व्यक्तिगत काम निपटाते हैं और वर्किंग आवर्स के दौरान काम करते हैं। कुछ सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अपना काम स्वयं आउटसोर्स करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वे अपना काम करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान करते हैं, यानी कि पे करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम को उम्मीद है कि कर्मचारी अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आनाकानी करना बंद कर देंगे। फिलहाल ये घड़ियां किराए पर ली जाएंगी, क्योंकि इनकी कीमत 18,000 रुपए प्रति पीस है। हालांकि वर्तमान वर्कफोर्स की संख्या लगभग 6,000 है। फिलहाल शुरुआत में केवल 4,000 घड़ियां किराए पर ली जा रही हैं। इन्हें मैदानी कर्मचारियों यानी फील्ड वर्कफोर्स और अधिकारियों को दिया जाएगा। स्मार्ट वॉच ने इंदौर और नागपुर में अच्छे परिणाम दिए हैं, जहां पहले से ही कुछ कर्मचारियों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। तो कैसा लगा ये स्टोरी, हमें जरूर बताइएगा।